हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेरी नफीफा की वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं एक्चुअली क्लैश स्क्वाड वाला मोड खेलने जाने वाला हूँ। सोचा था बड़े टाइम से क्लैश स्क्वाड नहीं खेला, मतलब क्लैश स्क्वाड तो मैंने अभी एक भी बार नहीं खेला, आज पहली बार खेलने जा रहा हूँ मैं क्लैश स्क्वाड। और वैसे अच्छा आप लोगों को लगा कि मैं क्लैश स्क्वाड से डर जाऊंगा इसलिए मैं उसे नहीं खेल रहा, तो नहीं, ये पूरा गलत है। मैं उसे इसलिए नहीं खेल रहा था क्योंकि 4v4 वाले मेरे को इतने पसंद नहीं है। और यहाँ पे तो मेरे पास पिस्टल है, पैसे भी नहीं है। और सर अब मैं क्या करूँ, अब तो मरना पक्का लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसे मैं पहली बार खेल रहा हूँ और मैं ज़रूर किल्स करके दिखाऊंगा इसके अंदर। वहाँ पे ब्लू जोन है, वहाँ की तरफ नहीं भागना चाहता मैं। और वैसे मेरे टीममेट्स क्या नल्लापंती कर रहे हैं यार, आ ही नहीं है मेरे साथ। यहाँ पे एक एनिमी बता रहा है मैप, तो मैंने 2 को नॉकआउट कर दिया। एक किल किया, 2 को नॉकआउट कर दिया। अभी मेरा अब शायद मेरे 2 किल्स हैं। अब हमारी जीतने की चांसेस पक्की लग रही है क्योंकि अब उनका सिर्फ एक ही प्लेयर बचा है। वैसे क्या हम इसमें अपने किल्स नहीं देख सकते क्या? मैं वही सोच रहा था कि मैं अपने किल्स कैसे देखूं। यस विक्ट्री, मजा आ गया पहली बार खेल के, पहला पॉइंट विक्ट्री। अब राउंड 2 आया। चलो मैं फेम्स खरीदता हूँ। ये हो तो अब आने वाला है मज़ा। इसमें बढ़िया वाली स्कोप भी डली है। सब कूद रहे हैं, हमें लग रहा है दूसरा पॉइंट भी हम ही जीतेंगे। एक सेकंड बस, अभी लोग देखने दो। कहां से मार रहा है मुझे पता भी नहीं चला इस बार तो। मुझे पता ही नहीं चला कि कहां ऊपर लटक के मार रहे हैं यार। चलो विक्ट्री हो गई, मैं नॉक हो गया था फिर भी विक्ट्री हो गई। ये पे दूसरी बार विक्ट्री होता है, दूसरी बार विक्ट्री रही थी। ये अलग मैप लग रहा है। इस बार में मेरे को बढ़िया वाले किल्स करने हैं। अरे मैं डैमेज क्यों नहीं दे पा रहा? इसको मैंने लॉक तो कर ही दिया था। और शायद ये हो क्या रहा है, मेरी इतनी कम पावर थी फिर भी मैंने कर दिखाया। इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, देखा, इसलिए मैं कह रहा था मैं बहुत बड़ा प्रो हूं, लेकिन तुम लोग समझ नहीं रहे थे ना।
मैं कूद कूद के और मारूंगा। आज दिखा दूंगा लास्ट वाला पॉइंट भी, हम मेरी वजह से जीतेंगे। और शॉट एकदम साइड से मार दिया। पास में मेरा कोई टीममेट होना चाहिए, शायद है। कोई भी ज्यादा पास नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैं बच जाऊंगा। यस, मेरे को लग रहा था कि मैं बच जाऊंगा। एकदम टाइम पे आया ये। अब मैं मेडिक अप्लाई कर लेता हूँ। एक और ले लेता हूँ। नहीं भाई, मैं ब्लू जोन में नहीं जाना चाहता। ये एनिमीज मरे हुए हैं ना, है ना? देखा, इसलिए मैं कह रहा था कि मैं हमेशा जीत की कगार पे रहता हूँ। इस बार मैं बिना कोई किल किए जीत गया। बुया, ये आप देखा। तो चलो आप कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, तो मैं कलहारी वाले मैप पे खेलने जा रहा हूँ। अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, सिर्फ 500 रुपए हैं। इसमें इतना क्या कर लूंगा भाई मैं, इसलिए मैं गन्स नहीं खरीद पाया। सो बैड। हाँ, मैंने किल चुरा लिया। वो बहुत ही पास आ गया, बहुत ही पास आ गया। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरा टीममेट है, एकदम बीच में से निकल लिया। अब शायद ही कोई रिवाइव करेगा, आखिरी बंदा है ये। कम होती जा रही है हेल्थ, कोई आ जाओ। शायद ऐसे बोलूंगा तो आएंगे। ऑन कर दिया माइक, आ जाओ भाई कहीं। ओ, फिर से नॉक होते हुए विक्ट्री। एक बार दोबारा जो भाई 2 सेकंड में खुलने वाला ही है। ओ, ये क्या, ये कैसे हुआ भाई? किसी ने दूर से स्नाइप कर दिया, आराम से डेथ भी हो गई। पिछले मैच में लास्ट तक टिका ना, और इसमें सीधा ही। Thank you.
मुझे पता है इस बार मैं ज्यादा बढ़िया नहीं कर पाया, लेकिन जीत इस बार होनी तो मेरी टीम की है। मैच में अभी मैं जीता, बढ़िया वाली विक्ट्री हुई, और मैं परचेज कर रहा हूँ इसको। वहां पे पीछे एनिमीज दिख रहे हैं मेरे को। अरे ये वाला किल मैंने एकदम प्रो के स्टाइल में किया। भागोगे तो ऐसा ही होगा, मारना चाहिए था सीधा। और ये देखो नॉक पड़े पड़े हैं, मेरे को लग रहा था मैं नॉक पड़ जाऊंगा, पड़ गया। ओ एकदम टाइम पे रिवाइव मिली है। अब एक भी गोली नहीं खा सकता था मैं, बस मेडिक यूज कर सकता था मैं। और इसी के साथ एक बढ़िया वाली विक्ट्री भी हुई। तो फाइनली अभी ये मैच पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, इसे भी अब जीतना पड़ेगा। फिर से 4-0 से आ रही है वो। फिर से उसको मैं 4-0 से हराऊंगा। अब आएगा मजा। यहाँ पे कोई ना कोई लग रहा है। यस इट्स सो इजी। मैंने सोचा था इतना मजा नहीं आएगा मेरे को इसमें, लेकिन मेरे को तो इसमें बहुत मजा आ रहा है। बुई है, मुझे लगा नहीं था इस बार जल्दी मैच फिनिश भी हो जाएगा।